सहनो भुनक्तु सर्ववीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 418वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का 5वां पाद। पिछली कक्षा में 9वें अधिकरण तक हमने देखा था, पृष्ठ संख्या 416। 10वां अधिकरण प्रारंभ करते हैं। अग्रहणादेव षोडशी ग्रहणाधिकरणम्। तो षोडशी ग्रह को ग्रहण करते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं? तो अग्रहणात्, अग्रायण के पात्र से, स्थाली से लेते हैं, उसी से उसको लेना चाहिए। ये सिद्धांत पक्ष है। सूत्र है 42वां, तस्य अग्रहणात् ग्रहणम्, ह की जगह यह, अग्रहणात् ग्रहणम् अस्ति षोडशी। षोडशी है, उसके लिए वचन दे दिया पहले वाले ही। यह एवं विद्वान एतम षोडशिणम गृह्णाति भवति आत्मना परास्य भ्रातृव्यो भवति इति। तत्रायम अर्थ समधिगत। ये तो हमें समझ में आ गया पिछले अधिकरण से कि प्राकृतः षोडशी इति, षोडशी प्राकृत है, प्रकृति में भी रहती है। अतेदानीमिदं संधीयते किम असौ आग्रहणाद, है को यह आग्रहणाद उक्त्याच्च गृहीतव्य इति उत आग्रहणात एव। तो ये आग्रहण और उक्त दोनों से लिया जाएगा अथवा केवल आग्रहण से लिया जाएगा, ये इसमें संदेह है। किम प्राप्तम, तो सिद्धांति कहता है तथा आग्रहणात या आग्रहणात ग्रहणम, आग्रहण तस्य तस्य आग्रहणात ग्रहणम। कुतः वचनात्, वचन ये है आगे वाला विपितल विराम है, आग्रहणात गृह्णाति षोडशीनमिति। ये जो वचन है इससे पता लगता है कि आग्रहण से लेना चाहिए, उक्ते से नहीं लेना चाहिए। पूर्व पक्षी इस पर कहता है उक्त्याच्च वचनात्, उक्ते से भी लेना चाहिए क्योंकि उसका भी वचन मिलता है। गृह्णीमा एतत्, ये ठीक है, ये स्वीकार करते हैं कि आग्रहणात् ग्रहीतव्य षोडशी इति, किंतु उक्त्याच्च ग्रहीतव्य, उक्ते से भी लेने चाहिए। कुतः वचनात्, वचनमिदं भवति, ये वचन आगे का विपरीत अल्प विराम में, उक्त्यात् गृह्णाति षोडशीनम इति, बंद कर लीजिए यहाँ पर। और कहते हैं किमिदम वचनम न कुर्यात्, वचन तो कुछ भी कर सकता है। तस्मात् उक्त्य आग्रहणाभ्याम गृहीतव्य इति, दोनों से लेना चाहिए पूर्व पक्ष में। अब इसमें 11वां अधिकरण कर रहे हैं, ये बीच में एक और अधिकरण ले लिया है इसमें अंतरागर्भिणी न्याय से। इससे अगली पंक्ति जो है तदेतद अपर्यवसितम तिष्ठतु तावत्, ये ऊपर वाला जो है बिना समाप्त हुए थोड़ी देर एक तरफ रख दिया। अथेदानीम इदम चिंत्यते, एतत् चिंत्यते, ये एक और चर्चा प्रारंभ कर दी जिसको कि ये 11वां अधिकरण नाम से कह रहे हैं। और इसका शीर्षक है तृतीय सवने एव षोडशी ग्रहणाधिकरण। षोडशी का ग्रहण करना है तो कब ग्रहण होगा? तो तृतीय सवन में ही होना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। उसी को सूत्र में कहा तृतीय सवने वचनात् स्यात्, तृतीय सवन में होना चाहिए क्योंकि इसका वचन मिलता है। अस्ति ज्योतिष्टोम तत्र श्रूयते, ये वचन मिल रहा है ज्योतिष्टोम में, यह षोडशी गृह्यते इंद्रियम एव वीर्यम आत्मन धत्ते इति, बंद कर लीजिए इसको। षोडशी का जो ग्रहण करते हैं तो इंद्रियों के बल को वो धारण करते हैं। अत्र संशया, यह की जगह अ, किम सवने सवने गृहीतव्य उत तृतीय सवने इति। तो इसमें षोडशी का ग्रहण तो होगा ज्योतिष्टों में, लेकिन कहाँ होगा? तो प्रश्न है कि क्या सवन सवन में, यानी प्रत्येक सवन में ग्रहण करना चाहिए अथवा तृतीय सवन में? किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है सवने सवने इति, कुतः प्रतिसवनम ही श्रूयते, प्रत्येक सवन के लिए ये वचन मिलता है। गृह्णाति षोडशीनम इति, ये षोडशी को ग्रहण करता है ये प्रत्येक सवन में सुना जाता है। शब्द लक्षणे च कर्मणि शब्दो न प्रमाणम, और जो कर्म है वो शब्द लक्षण वाला होता है, यानी शब्द के अनुसार ही कर्म किया जाता है। शब्द लक्षणे कर्मणि, कर्मणि का विशेषण है शब्द लक्षण है,
शब्द लक्षण च कर्मणि शब्दों न प्रमाणम, ऐसी स्थिति में शब्द ही हमारे लिए प्रमाण होता है कि क्या चीज कहाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तस्मात सवने सवने षोडशी गृह्यते इति, इसलिए प्रत्येक सवन सवन में इसको ग्रहण करते हैं। ये शाखांतर में वचन भी मिलता है सवने सवने गृह्णाति, यहाँ जो वचन दिया है वो तो गृह्णाति षोडशीनम इसको लेकर के कहा, ये प्रत्येक सवन में ये वाक्य मिलता है, यहाँ तो इस तरह से कथन है। शाखांतर में सीधे सीधे भी वचन मिलता है सवने सवने गृह्णाति, इस पर सिद्धांति कह रहे एवं प्राप्ते ब्रूम है तृतीय सवने स्यात् अस्य गृह्णमिति, केवल तृतीय सवन में ही इसका ग्रहण होना चाहिए। कुतः, तो कहा वचनात्, वचन के कारण से, भवति ही वचनम, वचन को आगे बता रहे हैं तृतीय सवने, व और स को आगे पीछे कर लीजिए, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तृतीय सवने अग्रहणात् गृह्णाति षोडशीनमिति, तो षोडशी को आग्रहण से तृतीय सवन में लेता है, ये स्पष्ट कथन मिल रहा है। वचनम न प्रमाणम, और वचन हमारे लिए प्रमाण है, हमारा प्रमाण है, तस्मात् तृतीय सवने गृहीतव्य इति, इस पर पूर्व पक्षी कहता है अथ यदुक्तम, हमने जो ये कहा था प्रतिसवनम षोडशी ग्रहणम इति विपरीत अल्प विराम में, ये जो पीछे बात कही थी उसका क्या उत्तर है, तो सिद्धांती कहता है तृतीय सवन ग्रहण स्तुत्यर्थम तत्, ये तृतीय सवन में जो ग्रहण किया गया है षोडशी को उसकी स्तुति के लिए है, कि तीसरे में ग्रहण करने से ही सब में ग्रहण हो जाता है, ये उसकी स्तुति के लिए है। कथम, ये कैसे है, तो आगे वचन दिया विपरीत अल्प विराम में, प्रातः सवने ग्राह्य, प्रातः सवन में ग्रहण करना चाहिए, कैसे, क्यों, तेजो वही प्रातः सवनम, प्रातः सवन वो तेज रूप है, तेजसा एव वज्रम निर्मिमीते, वज्रम निर्मिमीते, तेज से वो वज्र को बनाता है, ये इसकी प्रातः सवन का कथन हो गया। फिर कहा माध्यन दिने सवने ग्राह्य, माध्यन दिन सवन में भी ग्रहण करना चाहिए, क्यों, ओजो वही माध्यन दिनम सवनम, माध्यन दिन सवन ओज है, वो तेज था तो ये ओज है, ओजसा एव वज्रम निर्मिमीते, ओज से ये वज्र को बनाता है, तृतीय सवने ग्राह्य, तीसरे में भी ग्रहण करना चाहिए, क्यों, पशुओ वही तृतीय सवनम, तृतीय सवन क्या है, पशु है, पशुभ्य एव वज्रम निर्मिमीते, इन पशुओं से ही वज्र को बनाता है। अब इसमें जो आगे की बात है उस पर ये विशेष कर रहे हैं कि यत प्रातः सवने गृहणीयात वज्र उत्तरे सवने व्यतिरिच्येत, तो प्रातः सवन में अगर वज्र को ले ले तो उत्तर सवन में वो अतिरिक्त तो होगा। इसको व्यतिरिच्येत को, व्यतिरिच्येत को कुतूल वृत्तिकार कहते हैं अभिप्रश्चवेत, यानी अतिरिक्त हो जाएगा, मतलब फालतू हो जाएगा, च्युत होगा, क्योंकि द्वितीय सवन में फिर है, पहले सवन वाला है वो बना हुआ है और दूसरे सवन वाला फिर आ गया, तो पहले वाला अतिरिक्त हो गया, फालतू हो गया। यन माध्यन दिने मध्यतो वज्रम निहन्यात, तो माध्यन दिन में मध्यतः जो वज्र है वो उसको निहन्यात, निर्हण्यात, पाठ वेद है निहन्यात, उसको नष्ट कर देवे। तृतीय सवने ग्राह्य, तृतीय सवन में ग्रहण करना चाहिए, इसलिए इससे तत्सर्वेशु सवनेशु गृह्णाति, इससे सभी सवनों में ग्रहण कराता है, न पूर्वे सवने आरतिम नीतः इति, पूर्व सवन में आरती को यानी तो पीड़ा को, कष्ट को नहीं प्राप्त होता है, बनाना तो वही, तो वो तीसरे में बना लिया, पहले और दूसरे में नहीं बनाया, तो ये जो वचन मिल रहा है इससे पता लगता है कि पहले दो में नहीं, पहले दो में निंदा की जा रही है, तीसरे में उसकी प्रशंसा हो गई, और इसी से फिर ये कहा जाएगा कि ये तीनों में होता है, जो सवन सवन में होता है, तीसरे से ही सारा हो जाता है, इस रूप में प्रशंसा की गई है, इस सिद्धांति ने रखा, तो इसलिए शीर्षक यही बनाया तृतीय सवन एवं षोडशी ग्रहणाधिकरणम। आगे अपर्यवसितस्य दशमाधिकरणस्य पुनरारंभः, तो दशमाधिकरण जो पीछे थोड़ी देर के लिए रोक दिया था उसी को प्रारंभ करते हैं। 41वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, अनभ्यासे पराक शब्दस्य तादर्थ्यात्, तो पराक शब्द के पीछे भी आया था ये, इसके अनभ्यासे, अनभ्यास में नहीं अर्थ लिया जाता है, भिन्न अर्थ में लिया जाता है, उसी का वही अर्थ है, सामर्थ्य है उसका, स्थितादुच्यते जो रोका था उससे आगे कहते हैं इतश्च पश्यामः उक्त्याच्च गृहीतव्य इति, उक्ते से भी लेना चाहिए। उतः यत् परांचम उक्त्यान निगृह्णाति षोडशीनमिति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यत् के बाद में परांचम उक्त्यान निगृह्णाति, निर्गृह्णाति
उक्त्यान निर्गृह्णाति, रेफ लगा लीजिए, या उक्त्यान निगृह्णाति ये भी हो सकता है, लेकिन एक पाठ भेद कह सकते हैं षोडशीनमिति। तो इसमें उक्ते से लेने की बात कही, आगे फिर विपरीत अल्पविराम में उक्त्यान निगृह्णाति इति, ये नहीं, हाँ ये जो क्या वचन तो वही है, ये जो आपके कहा उक्त्यान निगृह्णाति, ये अर्थ खोल के बता रहे हैं, उक्त्यान निगृह्णाति इति संबंधो, ये यहाँ पर संबंध है, न उक्त्यात् परांचम इति। देखो पिछला वाला वचन क्या था, परांचम उक्त्यान निगृह्णाति, तो ये कह रहे हैं उक्त्यान निगृह्णाति ये यहाँ पर संबंध है, न कि उक्त्यात् परांचम, उक्ते से परे जो है अन्य को उसको। कुतः, क्योंकि अनभ्यासे पराक शब्दो वर्तते, ये पराक शब्द अनभ्यास में है, यानी अनभ्यास मतलब अन्य में, परांच जो है वो मतलब अन्य के अर्थ में है और वो अनभ्यास में है। जब हम अन्य शब्द बोलते हैं तो वो अभ्यास को थोड़ा ना कहलाता है, उससे कोई और चीज लेनी पड़ती है उसमें, तो ऐसे उसी अर्थ में परांचे हैं यहाँ पर, इसलिए कुछ और लेना होगा। अनभ्यासे पराक शब्दो वर्तते कुतः, तादर्थ्यात्, तादर्थ्यात् को खोल लें, तादर्थ्यम ही अस्य अवगम्यते, ये अनभ्यासार्थता ये उसका अर्थ है, तादर्थ्य मतलब इसी अर्थ में वो, इसी भाव में जाना जाता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं पिपित अल्पविराम में, पराची ही सामिथेनी रनवाह, बंद कर लीजिए। तो ये पराची सामिथेनियों को कहता है, उनके बारे में बोलता है, तो ये पराची शब्द पे केंद्रित है। तो अनभ्यस्ता सामिथेनी अनवाह इति, तो नई अनभ्यस्त सामिधेनी को बोलता है, ये इसका मतलब है, उसी प्रकार यहां भी लेना चाहिए। तथा अनभ्यास वचन सन न उक्ते न संपत्यते, और जब ये अनभ्यास वचन होगा तभी ये तब उक्त से संबंधित नहीं होगा। अनभ्यास वचन सन, अनभ्यास वचन होता हुआ ये उक्त से न उक्ते न संपत्यते, उक्त से संबंध नहीं होता है, नहीं भवति संबंध उक्त्याद अनभ्यस्तम इति, वो जो ऊपर था ना इन्होंने, नो संबंध वाक्य की दृष्टि से कह रहे हैं, उक्त्यान निगृह्णाति इति ये संबंध है, न कि उक्त्यात् परांचम इति, इसलिए कह रहे हैं कि इसका उक्त से संबंध नहीं बनेगा। नहीं भवति संबंध उक्त्यात् अनभ्यस्तम इति, अनभ्यस्तम तो ये परांचम की जगह पे पढ़ दिया है इन्होंने, तो ये संबंध नहीं, उक्त्यात् अनभ्यस्तम, कथम तरी उक्त्यान निगृह्णाति, उक्त से वो ग्रहण करता है षोडशी को, नहीं उक्त्यान निगृह्णाति उक्त से ग्रहण करता है, तम अनभ्यस्तम इति, और वो जो षोडशी है वो उसमें अभ्यास नहीं होता है, तम षोडशीनम अनभ्यस्तम, तस्मात उक्त्याग्रायणाभ्याम गृहीतव्यमिति। तो उक्ते और आग्रहण दोनों से लेना चाहिए, ये पूर्व पक्ष हुआ। अपनी पुष्टि में और कह रहा है पूर्व पक्षी 46वां सूत्र, उक्ते विच्छेद वचनत्वात्, उक्ते के विच्छेद का भी यहाँ पर कथन किया गया, तो दो चीजें अलग अलग की गई हैं, इससे भी संकेत है, इतश्च उक्त्यादपि गृहीतव्य इति, कुतः उक्ते विच्छेद वचनम भवति, उक्ते से उसको अलग करने का कथन प्राप्त होता है। वो आगे दिया है विपरीत अल्पविराम में, विच्छिन्दन्ति हवा एतद् उक्त्यम, अल्पविराम, यद् उक्त्यानि षोडशीनम च ततः प्रणयन्ति, बंद कर लीजिए। इसमें च के बाद में अल्पविराम लीजिए, विच्छिन्दन्ति हवा एतद् उक्त्यम, उक्ते को ये अलग करते हैं, यद् उक्त्यानि षोडशीनम च, जो उक्ते हैं और षोडशी हैं, ततः प्रणयन्ति, ततः का मतलब यहाँ उक्ते लेते हैं, उक्त्यात् प्रणयन्ति इति, तो प्रणयति ना, ये जो प्रणयन की बात कही गई है, प्रणयति ना संबंधात्, प्रणयति से इसका संबंध होने से उक्ते का, विस्पष्टम आपादानम दर्शयति, अपादानम दर्शयति, स्पष्ट ही वहां से अलग करने को दिखाता है। तस्मात् त जोड़ लीजिए, तस्माद अपि उभाभ्याम ग्रहीतव्यम, ग्रहीतव्य इति, तो दोनों से ही लेना चाहिए, उक्ते और अग्रहण से। आगे 47वां सूत्र सिद्धांति का, अग्रहणात्वा पराक शब्दस्य देशवाचित्वात् पुनराधेयवत्, तो
केवल आग्रहण से ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पराग शब्द है और वो देशवाची है, उसके देशवाची होने से पुनराधेय के समान। भाष्य देखिए, आग्रहणादेव अपाग्रहितव्य न उक्त्यात्, अतः विपितल विराम में यत आग्रहणात् गृह्णाति षोडशीनम इति वचनात्, ये बंद कर लीजिए षोडशीनम यहाँ पर। तो यत आग्रहणात् गृह्णाति षोडशीनम, ये वचन जो है इससे न शक्य आग्रहणात् कृत्स्नो गृह्यमाण उक्त्यात् ग्रहीतुम ग्रहीतुम इति। तो ये अगर आग्रहण से ही सारा का सारा ले लिया है, इसने मिल गया उसको, तो उक्ते से कैसे ले सकता है, और ले ही नहीं सकता है। अगति का ही ऐशा गति, ये गति कैसी है, अगति के अगति का है, मतलब ये हो नहीं सकती ऐसी, ऐसा समाधान है जो हो नहीं सकता, ऐसा समाधान है ये। यत कृष्ण संयोगे सती विकल्प समुच्चयो स्याताम, क्या कि जो कृष्ण का संयोग होने पर, पूरे का संयोग होने पर विकल्प विकल्प और समुच्चय हुए, तो यहां पर विकल्प की तो बात नहीं है लेकिन समुच्चय की बात है, दोनों को मिला करके कर रहे हैं ना पूर्व पक्षी जो कह रहे हैं। सत्याम ही गतौ, यदि उसकी अन्य गति है, अन्य गति हो रही है, तो न तावत आश्रयणीय उस्तः, ये जो है हाँ गतौ न तौ आश्रयणीय स्तः, ये जो दो है यानी विकल्प और समुच्चय, या इन दोनों को जब गति है तो इन दोनों का आश्रय नहीं करना चाहिए। अन्य कोई गति है तो फिर इन दोनों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। अस्थि चात्र गति यहां पर गति है ही, कथम पराग शब्द से देशवाचित्वात्, क्योंकि यहां पराग शब्द देश का वाचक है। दिक् देश काल वचनों ही पराग शब्दो भवति, पराग शब्द इन तीन अर्थों में आता है, दिग्वाची देशवाची और कालवाची। यथा सती तथा सती, और ऐसा होने पर उक्त्यात् परांचम इति संबंधो भविष्यति, उक्ते से परांच को उक्त्यात् परांचम ये संबंध यहां पर बनेगा। ऊपर जो बात कही थी पूर्व पक्षी ने कहा था उक्त्यान् निगृह्णाति इति संबंधो, न उक्त्यात् परांचम इति, न उक्त्यात् परांचमिति, ये उसने निषेध किया था पूर्व पक्षी ने। तो ये सिद्धांति क्या कहना है यहाँ पर, तथा सति उक्त्यात् परांचमिति संबंधो भविष्यति, ये संबंध बन जाएगा। कैसे, न कृष्ण संयोगो विरोध्यते, इसमें कृष्ण, न कृष्ण संयोगो विरोध्यते, कृष्ण का जो संयोग है वो इसको बाधित नहीं करेगा। पूरा का पूरा ले लिया है आग्रहण से, वहां से आग्रहण से ले लिया, पूरा ले लिया, अब वो भर गया तो फिर उससे कहाँ से लेगा, उक्ते से कैसे, उससे उक्ते से कैसे लेगा, छोटीशी वाला है तो वो पात्र से ले रहा है ना, तो एक बार भर गया तो दूसरे से क्यों लेगा, इस संदर्भ में कह रहे उक्त्यात् परांचमिति संबंधो भविष्यति, न कृष्ण संयोगो विरोध्यते, यथा जैसे कि परांचम परांचम अज्ञाधेयात पुनरादधाति इति, तो परांचम अज्ञाधेय के बाद में, परांच मतलब ये पश्चात अर्थ में है काल की दृष्टि से, परांचम अज्ञाधेयात पुनरादधाति, पुनराधान करता है। तो काल संयोगे पंचमी, ये जो पंचमी है ये काल के संयोग में है, ना अपादाने, अपादान में नहीं है। एवं यहाँ पर द्रष्टव्यम, यहाँ पर ये इसको देशवाची मान करके पंचमी को देख रहे हैं। तस्मादपि आग्रहणादेव गृहीतव्येति, आग्रहण से ही इसको लेना चाहिए। 48वां सूत्र सिद्धांति का है, विच्छेद स्तोम सामान्य सामान्यात्। पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था उक्ते विच्छेद वचनत्वात 46वें सूत्र में, उसका उत्तर यहाँ पर सिद्धांति दे रहा है कि ये स्तोम के सामान्य होने से, स्तोम की दृष्टि से विच्छेद है और नहीं है। तो अथ यदुक्तम विच्छेद वचनात् अपादान दर्शनम इति, विच्छेद के देखे जाने से, वचन के कारण से यहाँ पर अपादान मानते हैं, नहीं तदेवम विच्छेद स्तोम सामान्यात् भवति, ये जो विच्छेद है ये स्तोम के सामान्य से यानी सादृश्य से होता है।
कैसे उसको आगे बता रहे हैं, ये वचन है वही पहले वाला, विच्छिन्दन्ति हवा, जोड़ लीजिए, विच्छिन्दन्ति हवा एतदुक्त्यम अल्पविराम, यदुक्त्यानि षोडशीनम च अल्पविराम तथा प्रणयन्ति इति बन। तो एकविंश स्तोमत्वाद उक्त्य ग्रह इव षोडशी इति। तो बोले जो षोडशी है ये उक्त्य ग्रह के समान है, क्यों है? क्योंकि एकविंश स्तोम वाली है ये षोडशी, 21 स्तोम वाली होने से उक्त्य ग्रह के समान है। तत्र पूर्वयोर विच्छिन्न एव उच्यते। तो इसमें पहले वाली दो का स्तोम, पहले वाले दो का विच्छिन्न यहाँ पर कहा जाता है, तथा प्रणयन्ति फिर प्रणयन करते हैं, इयमपि काल संबंध संबंधे एवं पंचमी न अपादाने, यहाँ भी काल के संबंध में पंचमी है, उससे अलग करने में नहीं है। तस्मात आग्रहणादेव गृहीतव्य षोडशी थी। तो उक्ते से जो लेना है वो तो एक अलग बात हो गई, मुख्य तो कहाँ से लेना है? आग्रहणाद से, आग्रहण से, उसके लिए तो सीधा सीधा वचन है, और उक्ते से है तो बोले वहाँ पर अपादान है ही नहीं, वहाँ तो काल को बताने के लिए पंचमी का कथन किया गया है। तो उससे जो अलग किया गया है पूर्व पक्षी ने जो वहां कहा था, तो प्रणयति ना संबंधात विस्पष्टम अपादानम दर्शयति, 46वें सूत्र में जो कहा था, तो बोले कि ये तो केवल उसके दो को छोड़ करके फिर ये प्रणयन करता है, इस दृष्टि से कथन है, इसलिए उक्ते से तो ये नहीं लेता है। अगला अधिकरण 12वां, षोडशी ना सस्तुत शस्त्रताधिकरणम। षोडशी जो ग्रह है वो स्तुत और शस्त्र इससे युक्त होता है, सस्तुत शस्त्रता उसकी बताई जाएगी। तो इसमें स्तोत्र और शस्त्र हो या नहीं हो ये प्रसंग यहाँ चलेगा। इसमें पूर्व पक्षी कहता है उक्त्याग्निष्टोम संयोगात अस्तुत शस्त्र हस्यात अल्पविराम सति ही संस्थान्यत्वम, कि उक्त्य और अग्निष्टोम का संयोग होने से, क्योंकि वो है ही यहाँ पर, इसलिए अस्तुत शस्त्र हस्यात, षोडशी में स्तोत्र शस्त्र नहीं होंगे क्योंकि उन्हीं के आ रहे हैं उक्त्य और अग्निष्टोम के, और अगर उनको मानेंगे तो ये इसमें भिन्न संस्था माननी पड़ेगी, यानी उक्त्य और अग्निष्टोम की संस्था ना होकर के भिन्न संस्था माननी पड़ेगी, ये दोष आएगा। षोडशी प्रकृति इदम आमनायते, षोडशी का प्रसंग है और ये वचन मिलता है विपरीत अल्पिना में, अग्निष्टोमे राजन्य से गृहणीयात अपि उक्त्य ग्राह्य इति, बंद कर लीजिए कि अग्निष्टोम में राजन्य के लिए अग्निष्टोम में गृहणीयात षोडशी को ग्रहण करें, और उक्त्य ग्राह्य और उक्ति में से भी ग्रहण करता है इति, ये जो वचन है। तत्रायम अर्थ संशयी का किम स्तोत्र शस्त्र है षोडशी उत किम अस्तोत्र शस्त्र षोडशी उत सस्तोत्र शस्त्र इति, ये जो षोडशी है ये स्तोत्र शस्त्र से रहित है अपने अथवा उनसे युक्त है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है अस्तोत्र शस्त्र स्यात् बिना इनके होगी, कुतः उक्त्याग्निष्टोम संयोगात, क्योंकि यहाँ उक्त्य और अग्निष्टोम का संयोग बताया गया है, उक्त्याग्निष्टोम संयोगो भवति, ये जो था वचन, ये तो सूत्र का अंश था उसी को आगे खोल दिया, उक्त्याग्निष्टोम संयोगो भवति, कैसे होता है वो वचन बता रहे हैं, अग्निष्टोमे राजन्य से गृहणीयात अप्युक्थे ग्राह्य इति, यही वचन दिया ऊपर वाला, अग्निष्टोम संस्थे उक्ते संस्थे च षोडशी गृहीतव्य गृच्यते। इसका मतलब क्या है कि अग्निष्टोम संस्था जिसमें है उसमें, या उक्त संस्था है जिसमें उसमें षोडशी ग्रह का ग्रहण करना चाहिए। तो संस्था तो पहले से है ही, और संस्था जो होती है वो इनसे ही होती है, मंत्र जो है उसमें किस शब्द से उसका समापन हो रहा है उसके आधार पर ही नाम पड़ता है। एवं अग्निष्टोम संस्थो असौ क्रतुर्भवति, तो ये जो क्रतु है ये अग्निष्टोम संस्था वाला हो जाता है, भवती पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, एवं अग्निष्टोम संस्थोऽसौ क्रतुर्भवति यद्यत्र स ग्रहो गृह्यते, यदि वहां पर यह ग्रह गृहित होता है तो भी यह अग्निष्टोम संस्था वाला होता है, कब ग्रह तो लिया जाता है, यदि च न तत्र स्तोत्रम शस्त्रम वा क्रियते, लेकिन षोडशी का स्तोत्र और शस्त्र वहां पर नहीं लिया जाता है तब यह अग्निष्टोम संस्था वाला अग्निष्टोम संस्था होगा। सति ही स्तोत्रे शस्त्रे वा षोडशी न स्तोमे न संतिष्ठेत अल्प विराम, और अगर स्तोत्र शस्त्र हो तो षोडशी के स्तोम से वो संतिष्ट को यानी संस्था को प्राप्त होगा, तो षोडशी वाला होगा। तत्र अग्निष्टोम संस्थो न स्यात् अल्प विराम उक्त संस्थश्च,
तो उस ऐसी स्थिति में इसको अग्निष्टोम संस्था भी नहीं कह सकते और उक्ते संस्था भी नहीं कह सकते, क्योंकि तब तो षोडशी संस्था वाला होगा वो। और यदि इसको अग्निष्टोम संस्था या उक्त संस्था बना के रखना है तो षोडशी के स्तोत्र शस्त्र नहीं आएंगे यहाँ पर। तत्रेदम वचनम उपरुध्येता, और अगर ऐसा करते हैं तो ये वचन बाधित हो जाता है। कौन सा? अग्निष्टोम में राजन्य से गृहणीयात अपि उक्ते ग्राह्य इति। तो अग्निष्टोम नाम दिया जा रहा है वहां पर, उक्ते नाम दिया जा रहा है, तो संस्था तो उसी की होगी। अग्निष्टोम विशिष्टे ज्योतिष्टोमे स उच्यते न अग्निष्टोमस्य वांगम। ये जो है ये अग्निष्टोम विशिष्ट ज्योतिष्टोम में वह कहा गया है। कौन वह? मतलब षोडशी ग्रह। अग्निष्टोम विशिष्ट ज्योतिष्टोम में वह ग्रह कहा गया है, न अग्निष्टोमस्य वांगम, वो अग्निष्टोम का अंग के रूप में नहीं कहा गया है। नहीं याग स्तुत्र शस्त्रयोर अंगम भवती। पूर्व पक्षी कह रहा है वैसे तो ये कि जो याग है वो स्तुत्र और शस्त्र का अंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो का फलवत्वात यागस्य, याग के फल वाला होने से, और अफलवत्वात चेतरयो हो, और जो स्तोत्र शस्त्र हैं इनके बिना फल वाला होने से। अलग अलग है, जो फल वाला होता है वही प्रधान होता है। बाकी याग स्तोत्र शस्त्र का अंग नहीं हो सकता, क्योंकि स्तोत्र स्तोत्र और शस्त्र स्तुत शस्त्र ये फल वाले नहीं है। तो अगर अंग बन भी गया तो फिर निकलेगा क्या उससे? कुछ नहीं, निष्फल होगा। 50वां, सस्तुत शस्त्रो वा तदंगत्वात्। सिद्धांति का है कि है? हाँ, ठीक है। अफलवत्वाच्चे तरयो हो, इसी को आगे कह रहे हैं। अग्निष्टोमश्चासौ ज्योतिष्टोम संस्थो अनेन भवति नान्यथा। ये जो अग्निष्टोम है ये अग्निष्टोम संस्थत तभी बन पाता है। इसको यूं करिए, मैं मेरी समझ से तो यूं था कि अग्निष्टोम और ज्योतिष्टोम को एक दूसरे की जगह कर लीजिए। ज्योतिष्टोम वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लिखा है उससे भी चल सकता है कि ये जो ज्योतिष्टोम की चार संस्थाएं हैं ना, प्रारंभ वाली चार जो हैं वो, उसमें ज्योति वाले शब्दों से अंत किया जाता है, उस दृष्टि से तो है। लेकिन पीछे जैसे इन्होंने कहा था ना अग्निष्टोम संस्था है या उक्ते संस्था है, तो संस्था शब्द अग्निष्टोम से जुड़ना चाहिए। उस दृष्टि से यह है कि अग्निष्टोमश्च ज्योतिष्टोमश्चासौ, ये जो ज्योतिष्टोम है ये अग्निष्टोम संस्था वाला इसी से हो पाएगा। कब? जब अस्तुत शस्त्र शास्त्र होंगे, अस्तुत शस्त्रों का। नान्यथा तस्मात स्तोत्र शस्त्र स्यादि, तस्मात अस्तोत्र शस्त्र स्यादि, इसलिए तो शस्त्र से रहित होना चाहिए षोडशी। सिद्धांति 50वां सूत्र, सस्तुत शस्त्रो वा तदंगत्वात्। तो स्तुत और शस्त्र के तदंग होने से, उसका अंग होने से, उसका किसका? ग्रह के नहीं, ग्रह के ग्रहण का अंग होने से। क्योंकि ग्रह को ग्रहण करते समय ये बोले जाते हैं, इनको बोल करके ग्रह का ग्रहण करते हैं, तो ये अंग कहलाएंगे उसके, ग्रह ग्रहण के। स्तुत शस्त्रो वा षोडशी, सिद्धांत पक्ष हो गया। कुतः तदंगत्वात्? यागस्य ही स्तोत्र शस्त्रे अंगभूते ग्रह ग्रहण निमित्ते। ये जो स्तोत्र शस्त्र हैं ये याग के अंगभूत माने जाएंगे परंपरा से। क्यों? क्योंकि ग्रह ग्रहण के ये निमित्त बनते हैं। कथम? कैसे? तो उसके लिए वचन दे रहे हैं, ग्रहम वा गृहीत्वा चमसम वा उन्नीय स्तोत्रम उपाकरोति, बंद कर लीजिए, इति उपसंप्राप्ते निमित्ते भवितव्यम नैमित्तिकेन। तो ग्रह को ग्रहण करके चम्मच को ऊपर उठा करके स्तोत्र से उपाकरण करता है। अब इससे क्या हुआ? इति उपसंप्राप्ते निमित्त, निमित्त के आने पर नैमित्त को तो होना ही चाहिए। तस्मात सस्तुत शस्त्र षोडशी स्यात्। षोडशी स्तुत शस्त्र से युक्त होगी, परंपरा से होगी, अंग तो माना ही जाएगा। पूर्व पक्षी मना कर रहा था अंग का। सिद्धांति आगे 51वें सूत्र में पुष्टि कर रहा है, लिंग दर्शनाच्च, लिंग भी देखा जाता है। लिंगमपि एतम अर्थम दर्शयति सस्तुत शस्त्र षोडशी इति। षोडशी जो है स्तुत शस्त्र से युक्त है। कथम? तो वचन है, ऊर्ध्वा वा अन्ये यज्ञ कृतवा संतिष्ठन्ते तिर्यंचो अन्ये। पहले कुछ अन्य यज्ञ कृतु हैं वो तो ऊर्ध्व समाप्त होते हैं और कुछ तिर्यक समाप्त होते हैं, उसमें भेद कर रहे हैं। ये होतारम अभी संतिष्ठन्ते ऊर्ध्वः, तो जो होता के द्वारा समाप्त किए जाते हैं वो ऊपर समाप्त किए जाते हैं।
ऊपर की तरफ मतलब पूर्व दिशा की तरफ उसका समापन किया जाता है, कुछ गति होती है वहाँ पर। तो होता जो है ये ऋग्वेदी है, ऋग्वेद के पहले वाले, तो शस्त्र होगा वहां पर। ऋग है, ऋक है, तो फिर होता का भी काम आए, होता से ऋक को ले रहे हैं और ऋक से फिर ये शस्त्र को ले रहे हैं। तो ये होता रम अभी संतिष्ठन्ते ता ऊर्ध्वा, ये वा अच्छा वाकम ते तिर्यंच। अच्छा वाक है ये ऋग्वेद वालों में तीसरे स्थान पर है, लेकिन ये भी उसी बात का संकेतक है कि ऋग आएगा, शस्त्र होगा। ये वा अच्छा वाकम ते तिर्यंच, तिर्यंच का मतलब है तिरछी तरफ, यू बाई से दाई तरफ, यानी बाई से दाई तरफ या दाई से बढ़ते जो भी, लेकिन ये तिरछा यूं रखते। एक तो है उर्दू तो मतलब आगे पीछे, तिरियन चम करता हूँ लेटा हुआ, उर्दू का मतलब हो गया। नहीं नहीं यूं नहीं, वो चित्र उन्होंने ऐसे ही बताया था, उर्दू मतलब तो यूं सीधा ऊपर और तिरंग मतलब यूं तिरछा। हाँ उत्तर दक्षिण की दिशा में, वो हो गया पूर्व पश्चिम में, ये उत्तर दक्षिण की तरफ होगा। तो ये वा अच्छा वा कम ते तिर्यंच, बंद कर लीजिए यहाँ पर। पूर्व पक्षी पूछता है कथम कृत्वा एतत् लिंगम, लिंग कैसे बन रहा है। तो कहा एतत् उक्तम भवति, क्योंकि इससे ये कथन आ रहा है। पीपीतल विराम में आगे लीजिए, द्वये एव यज्ञ कृतवो भवन्ति, ये होतारम अभिसंतिष्ठन्ते ये च अच्छा वाकम, बंद कर लीजिए। ये वही वचन है जो पीछे कहा गया था। तो कहते हैं यदि सस्तोत्र शस्त्र षोडशी इति, यदि षोडशी स्तोत्र और शस्त्र से युक्त है तथा एवं, तब ये संगत बनता है, अन्यथा अयम षोडशी अध्वर्युम अभी संतिष्ठेता, नहीं तो ये षोडशी है ये अध्वर्यु के पास जाती, मतलब अध्वर्यु से समापन किया जाता, वहीं ठहरती, अध्वर्यु ही इन क्रियाओं को करता। यहाँ पर होता और अच्छा वाक के का नाम लेकर के जो कथन किया गया, इससे पता लगता है कि यहाँ पर शस्त्र है। अन्यथायम षोडशी अध्वर्युम अभी संतिष्ठेत तस्मादपि सस्तोत्र शस्त्र षोडशी, यहाँ शस्त्र के लिए मुख्यता है, पर इससे पता लग रहा है शस्त्र है तो फिर स्तोत्र भी हो जाएगा, ये मान करके चल रहे हैं। 52वां सूत्र सिद्धांति का, वचनात संस्थान्यत्वम। तो पूर्व पक्षी ने ये जो आक्षेप दिया था पहले कि ये तो संस्थान्यत्व हो रहा है, तो उसको दोष मान करके कहा था, भिन्न प्रकार से संस्था होने लगेगी, नाम तो कुछ है और संस्था कुछ और हो रही है। तो उसके लिए उत्तर है कि ये तो वचन से संस्था का अन्यत्व हो रहा है, अन्यत्व तो हो रहा है लेकिन वचन के कारण हो रहा है, तो कोई दोष नहीं है। अतः युक्तम सति ही संस्थान्यत्वमिति, तो वचनादेवं भविष्यति। अग्निष्टोमान्तम यदुक्तम तस्य वचनात् अयम अन्यो अन्तो विधीयते, तो उसको जो पहले अग्निष्टोमान्त कहा गया था, अग्निष्टोमान्त में होना चाहिए, तो अग्निष्टोम संस्था वाला होना चाहिए, उसका वचन से, वचन के कारण से अयम अन्यो अंतो विधीयते, ये दूसरा अंत विधान किया गया, षोडशी वाला अंत हो जाएगा इसका। किम इव वचनम न कुरिया तस्मादपि सस्तोत्र शस्त्र इति, तो वचन क्या नहीं कर सकता है, इसलिए इसको स्तोत्र और शस्त्र से युक्त ही समझना चाहिए। इसलिए इन्होंने शीर्षक दिया था षोडशी न सस्तुत शस्त्रताधिकरण, अपने ही स्तोत्र और शस्त्र से युक्त ये होगी। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव। ओ सभी को सदर अभिवादन, ओम शिव। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।